हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा आप किस तरीके से आपकी फ्री फायर के अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर पाओगे, वही मैं इस वीडियो में फुल तरीके से जानकारी दूंगा। तो फ्री फायर लॉगिन करने के लिए इधर 5 आइटम दिया हुआ है, जैसे कि गेस्ट अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, उसके बाद गूगल अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और विकी अकाउंट। ये जो 5 आइटम्स आप इधर लॉगिन कर पाओगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर आपकी जो अकाउंट होने वाला है वो फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट। तो फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट होने के बाद ही आपको मैं इधर दिखाऊंगा कैसे परमानेंटली आपकी फेसबुक आईडी या फेसबुक कनेक्ट फ्री फायर आईडी उसे आप डिलीट कर पाओगे परमानेंटली। और बाकी जितना भी आइटम्स है, 5 आइटम्स है, गूगल, गेस्ट और विकी और ट्विटर, उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, उधर से जाके आप देख पाओ किस तरीके से डिलीट करना है परमानेंटली। तो अभी मैं फिलहाल वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये रिक्वेस्ट है हमारे चैनल में जो भी न्यू फ्रेश हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि मैं इधर फ्री फायर के होम स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, तो जैसे कि मेरा जो ये अकाउंट है ये फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट है, तो पहले आप लोगों को इधर जानकारी दे दूँ मेरे जो अकाउंट है ये फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट है। तो फिलहाल मैं इधर सेटिंग के ऊपर जाके लॉग आउट करूँगा। लॉग आउट करने के बाद फिर से सिंग इन विद फेसबुक के ऊपर क्लिक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा जो ये अकाउंट है ये दोस्तों 100% फेसबुक अकाउंट है। तो इधर सिंग इन विद फेसबुक इसमें क्लिक करने के बाद मेरा फेसबुक से जो भी अकाउंट कनेक्ट है वो इधर ओपन हो जाएगा। तो इधर टैप टू बैन इसमें क्लिक करने के बाद मेरा जो फेसबुक अकाउंट है ये दोस्तों ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा फेसबुक अकाउंट इधर ओपन हो चुका है। तो आपके जो फेसबुक अकाउंट पे जो भी फ्री फायर अकाउंट लॉगिन है या दोस्तों कनेक्ट है उसे आप परमानेंटली डिलीट कर पाओगे। किस तरीके से कर पाओगे, आपको डायरेक्टली जाना होगा आपके मोबाइल के होम स्क्रीन के ऊपर। जाने के बाद फेसबुक ऐप अब ओपन कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपकी अकाउंट इधर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ऊपर की तरफ 3 लाइन दिखा रहा है, इस 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन सेटिंग जहां पर मैं दिखा रहा हूं सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए अकाउंट एंड पहली ऑप्शन अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट जो कुछ भी है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन अकाउंट एंड कंट्रोल्स ये जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्टली दोस्तों से कुछ पेज आ जाएगा। तो नीचे की तरफ जो 2 नंबर पे जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। तो 2 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इधर डिलीट अकाउंट जो दूसरी नंबर पे इधर डिलीट अकाउंट की ऑप्शन है तो इसे आपको टिक कर लेना होगा। तो इधर देखिए टिक हो जाने के बाद आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू की जो बटन है इसमें आप क्लिक करके फिर से इधर एक कंटिन्यू की ऑप्शन आएगा, इसमें आप फिर से आप इधर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ रोटेट हो जाने के बाद इधर डिलीट अकाउंट, इस डिलीट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपकी जो अकाउंट की फेसबुक अकाउंट की इधर पासवर्ड डालना होगा। डालने के बाद इधर कंटिन्यू की जो बटन है इस कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर देखिए डिलीट अकाउंट, इस डिलीट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा फेसबुक अकाउंट इधर से डिलीट हो चुका है तो आपके भी फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाने के बाद आपकी फ्री फायर की जो आईडी है वो भी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं होने से आपकी फ्री फायर की आईडी भी रीओपन या लॉगिन नहीं होगा। तो लॉगिन नहीं होने से आपकी फ्री फायर की आईडी भी डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो अकाउंट है फेसबुक अकाउंट है वो अकाउंट फिर से आप 28 डेज के अंदर लॉगिन मत कीजिए। तो 28 डेज तक आप रीओपन नहीं करोगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो 28 डेज के अंदर फिर से आप लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों फिर से रीओपन हो जाएगा और डिलीट नहीं होगा। तो 28 डेज तक आप इधर लॉगिन मत कीजिए, लॉगिन नहीं करने से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कि इधर फ्री फायर की होम स्क्रीन का ऊपर आ चुका हूँ, उसके बाद सिंग इन विद फेसबुक के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए इधर लॉगिन ही नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मेरा जो अकाउंट है वो दोस्तों फिर से रीओपन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको परमानेंट डिलीट करना है। तो फिर से आपको कभी भी आपकी वो अकाउंट ज़रूरत हो तो आपको 28 डेज के अंदर फिर से रीओपन कर लीजिए आपकी वो अकाउंट, नहीं तो दोस्तों परमानेंटली दोस्तों डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जानकारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए।